नमस्ते। तो हम पिछली बार बात कर रहे थे प्राणायाम के बारे में, प्राणायाम ब्रीथ की कैपेसिटी के बारे में, ब्रीथ की स्टेमिना कैसे बढ़ाया जाए। तो उसमें सबसे पहले पहला पॉइंट हो गया आपका कि बैकबोन एकदम स्ट्रेट हो, बैकबोन पे वर्क हो। दूसरा, आपके चेहरे के मसल्स, क्योंकि नाड़ियाँ जो ब्रीथ की होती हैं, जहाँ से हम ब्रीथ लेते हैं, तो उसमें आपका नोज़ क्लियर होना चाहिए, माउथ मसल्स आपके स्ट्रांग और अच्छे से वर्क करने चाहिए। यहाँ के इधर से सारे साइनस की प्रॉब्लम जो होती हैं इधर की, वो यहाँ की नसें एकदम अच्छे से मतलब जो है क्लियर होनी चाहिए, जिससे आप अच्छी गहरी सांस ले सकें। तो उसके लिए हम स्टेप शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप, हाथ रगड़ें और उसमें चेहरे पे, और पिछली बार मैंने बताया था आपको उद्गीद प्राणायाम करने के लिए, उद्गीद प्राणायाम करेंगे, उद्गीद प्राणायाम 5-6 बार करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है हमारे ब्रीथ की स्टेमिना को बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो अनुलोम विलोम करने का हम मेथड जानते हैं, कैसे हम अनुलोम विलोम आसानी से कर सकते हैं। और ये बहुत ही, सबसे पहले हम गहरी सांस खींचेंगे, फेफड़े में सांस भरते हैं तो हमारा बैकबोन स्ट्रेट हो जाता है, सीधा हो गया। सीधा होने के बाद हम प्राण मुद्रा, प्राण मुद्रा में इस तरीके से हमारी फिंगर्स होंगी, ये हमारे लिटिल फिंगर एंड उसके बगल वाली फिंगर को हम अंगूठे के टिप पॉइंट पे टच करते हैं, इसको हम प्राण मुद्रा कहते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इस तरीके से दोनों उंगलियों में, दोनों हाथों में कर लेंगे। इसको करने के बाद हम अपना लेफ्ट हैंड अपने घुटने पर रख लेंगे और दूसरा हम इस तरीके से नाक पे ये रखें, नाक पे रखने के बाद ये दो उंगलियां यहाँ पे और ये दोनों उंगलियां मस्तक के बीचों बीच इस तरीके से रखते हैं, ठीक है। ये फिर इस तरीके से रखने के बाद हम बाएं नाक से सांस खींचते हैं, फिर दाहिने नाक से छोड़ते हैं, फिर दाहिने नाक से फिर से पुनः सांस हम अंदर खींचते हैं, फिर बाएं नाक से छोड़ते हैं। इस तरीके से आपका जो क्रिया होगा, इसी को एक बार, इसको एक क्रिया कहते हैं। हम हमेशा शुरुआत बाएं से करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम में। बाएं नाक हमारा चंद्र भेदन नोज होता है, जिससे हम गहरी सांस लेंगे, तो बाएं नाक से शुरुआत करते हैं तो हमको ज़्यादा बेनिफिट इसमें प्राप्त होता है। बाएं नाक से सांस खींचेंगे, दाहिने नाक से छोड़ेंगे, दाहिने नाक से खींचेंगे, फिर बाएं नाक से छोड़ेंगे। इस तरीके से हम अभ्यास करेंगे। इसमें भी रेशियो होता है, लेकिन उसको हम शुरू में ध्यान नहीं देंगे, बाद में इसमें जब अभ्यस्त हो जाते हैं तो हमारा सांस का रेशियो भी बढ़िया हो जाता है और हम गहरी, जितना ज़्यादा होगा गहरी सांस लेंगे आराम से। इस तरीके से हम गहरी सांस लेंगे। तो ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे सांस के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। उसके बाद हम करेंगे उद्गीद प्राणायाम, ने मैं पहले बता चुका हूँ। हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करते हैं, हम एक रेशियो में जिस तरीके से आराम से सांस खींचते हैं, उसी तरीके से उसी रेशियो में हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। दोनों हाथ को हम ज्ञान मुद्रा में करके अपने घुटने पर रख लेंगे, फिर उसके बाद गहरी सांस खींचेंगे। फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर लेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। इस तरीके से हम कम से कम 20-30 बार भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद हम इसमें हम कपालभाति भी कर सकते हैं। कपालभाति भी हमारे श्वास क्रिया को बढ़ाने के लिए और अच्छा करने के लिए, बहुत ही स्टेमिना के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो कपालभाति कैसे करते हैं, कपालभाति हम खाली पेट करते हैं। खाली पेट में हम क्या करते हैं, ब्रीथ को बाहर तेजी से निकालते हैं और पेट को हमारे नाभि के, नाभि चक्रा के पास जो होती है, नाभि के पार आसपास की एरिया को हम अंदर खींचते हैं, और हम ब्रीथ को बाहर निकालते हैं और नाभि को अंदर खींचते हैं। इस तरीके से हम करेंगे तो इसको कपालभाति कहते हैं। कपालभाति में हम बहुत फास्ट नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, जिससे हमको कोई स्वास्थ्य का हानिकारक प्रभाव न पड़े। तो कपालभाति करते हैं हम, कम से कम इसको 50 से 100 बार तक कर सकते हैं। इसको करने से पेट भी कम होता है, बहुत ही लाभदायक होता है ये कपालभाति। सांस बाहर निकालेंगे, पेट अंदर खिंचाएंगे, हाँ।
जब हम पेट पिचकाते हैं तो उसमें हम थोड़ी देर हम सांस को 5 सेकंड से 10 सेकंड तक सांस को रोक सकते हैं, तो इससे हमारा स्वास्थ्य पे और भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम करेंगे उच्चाई प्राणायाम। उच्चाई प्राणायाम भी हमारे थायराइड के लिए, और ये एक उच्चाई प्राणायाम का एक भाग है, उस तरीके से पूरी तरीके से उच्चाई प्राणायाम इसको हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उच्चाई प्राणायाम का एक भाग है। इसको करने से हमारी सांस की स्टेमिना बढ़ती है, ब्रीथ की स्टेमिना बढ़ती है, ब्रीथ कैपेसिटी बढ़ती है। इसमें हम सांस को होल्ड करते हैं, दाहिने नाक से सांस खींचेंगे और होल्ड करेंगे, दाहिने नाक से सांस खींचेंगे और जितना हो सकेगा इसमें हम अपना 30 सेकेंड 40 सेकेंड तक अपनी ब्रीथ को होल्ड करेंगे। इस तरीके से हम 20-30 सेकेंड 50 सेकेंड जितना देर तक रो सकें, 1 मिनट तक अपनी सांस की स्टेमिना को बढ़ाएंगे। इस तरीके से स्टेमिना बढ़ा के बाएं नाक से धीरे धीरे छोड़ देंगे। इस तरीके से हमारी सांस की स्टेमिना बढ़ती है। इस प्राणायाम को हम जब हम अपने दोनों नाक को बंद करते हैं, तो हमारी इसमें ब्रीथ की स्टेमिना अपनी आप, जब थोड़ी देर नाक बंद करके फिर सांस खींचते हैं तो हमारी सांस अंदर प्रवाहित तेजी से होती है। तो सांस खींचेंगे फिर रोकेंगे 30-40 सेकेंड तक, 50 सेकेंड तक, 60 सेकेंड तक, जितना हो सकेगा मैक्सिमम कैपेसिटी तक रोकेंगे, काउंट गिनते रहेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें बाएं नाक से धीरे धीरे छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी श्वसन क्रिया को इंक्रीज करेंगे और दिन ब दिन हमारी ब्रीथ की स्टेमिना बढ़ेगी। इसको आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। उज्जायी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, उद्गीद प्राणायाम। उद्गीद प्राणायाम में गहरी सांस खींचते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं एक सांस में जितना देर तक हो सके। ओम इस तरीके से, ठीक है, थैंक यू सो मच। इस तरीके से आप अभ्यास करें और अपनी ब्रीथ की कैपेसिटी बढ़ाएं।